दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की ये मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई एम डी है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस ऑफ्टर पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो तो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का रन टाइम भी दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंसुगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूटूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर यह मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहे तो देख सकते जो काफ़ी महंगा पड़ेगा और आपके पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके कर वहाँ पर फ्री में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे जाके देख सकते हैं वहां पर यह फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पांच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबुद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपा कर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठिकान लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दगुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफ़ी लंबे हैं कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और निवेश का जो ट्रेंड पेंड है वो तो फिल्म की यू एस पी है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे में भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस है अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलता है और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस स्टार पर उपलब्ध है जहां से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल है जहाँ पर तापसे बनने पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुवती या फिर अनुपम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 83 परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके जहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का रन टाइम भी दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे अपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंसुगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैयद आहड हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर ये मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहे तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा और आपके पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फिर में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजी प्लस सॉफ्टवेयर पे जाके देख सकते हैं वहां पर यह फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पांच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबुद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपा कर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठिकन लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दगुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफ़ी लंबे हैं कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और निवेश का जो ट्रेंड पेंड है वो तो फिल्म की यू एस पी है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस है अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलते हैं और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस स्टार पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल है जहाँ पर तापसे बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुभम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर 10 में से 8 की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 83 परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है भरी में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉफ्टेयर पर जाके जहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का अंडर में दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपके अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंसुगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर ये मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहे तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा राम के पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर यह फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पाँच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठेकन लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दगुबती और अनुपम केर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पैंड है वो तो फिल्म की यू है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी, भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलता है और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल जहाँ पर तापसे बनने पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुपम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अब इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर 10 में से 8 की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का रन टाइम भी दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैसगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज़ है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर यह मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहे तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा और आपके पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फिर में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर यह फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पांच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठिकन लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दगुबती और अनुपम केर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पैंड है वो फिल्म की यू एस पी है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनो का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलते हैं और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल है जहाँ पर तापसे बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुभम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे 40 मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आर्ट की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो तो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का अंडर भी दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपके अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंस अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में ख़ास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूटूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर यह मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहें तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा राम के पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फ्री में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर ये फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पाँच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के, के मैनन को ठिकन लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दगुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पेंड है वो तो फिल्म की यू है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी, भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस है अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनो का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलता है और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस स्टार पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल जहाँ पर तापसी पन्नू पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुपम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अब इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे 40 मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी एट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी जरूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का अंडर में दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपके अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंसुगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर ये मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहे तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा और आपके पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फिर में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजीमी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर यह फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पांच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठिकन लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दगुबती और अनुपम केर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पैंड है वो फिल्म की यू है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलते हैं और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस स्टार पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल जहाँ पर तापसे बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुपम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर 10 में से 8 की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो तो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का अंडर भी दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंस अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड़ हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर यह मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहे तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा राम के पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहां पर यह फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पांच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठिकन लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दघुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पैंड है वो तो फिल्म की यू है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी, भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हेट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मजा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलते हैं और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस स्टार पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल है जहाँ पर तापसी बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुभम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर 10 में से 8 की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी एट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का अंडर भी दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंसुगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज़ है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूटूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर ये मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहे तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा और आपके पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फिर में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहां पर यह फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पांच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के, के मैनन को ठेक्ना लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दगुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पैंड है वो फिल्म की यू एस पी है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टाइल अलग अंदाज में देख देखने को मिलता है और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल है जहाँ पर तापसे बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुपम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था और यह मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहां पर 10 में से आर्ट की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का अंडर में दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैसगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड़ हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज़ है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर यह मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहें तो देख सकते जो काफ़ी महंगा पड़ेगा राम के पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फ्री में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहां पर ये फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पांच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठिकान लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दगुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पेंड है वो तो फिल्म की यूएसपी है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलते हैं और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे उपलब्ध है जहां से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल जहाँ पर तापसे बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुपम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आर्ट की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो तो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का अंडर भी दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपके अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंसुगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में ख़ास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूटूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर यह मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहें तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा राम के पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस जाके वहाँ पर जाके वहां पर फ्री में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे जाके देख सकते हैं वहां पर ये फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पांच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के, के मैनन को ठिकन लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दगुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पेंड है वो तो फिल्म की यू है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी, भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस है अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनो का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलते हैं और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस स्टार पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल जहाँ पर तापसी पन्नू पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुपम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर 10 में से आर्ट की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का अंडर में दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैसगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड़ हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधुमीरा मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में ख़ास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर ये मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहें तो देख सकते जो काफ़ी महंगा पड़ेगा राम के पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फ्री में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर ये फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पाँच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठेका लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दघुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पेंड है वो तो फिल्म की यू है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलते हैं और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल जहाँ पर तापसे बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुवती या फिर अनुभम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की ये मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आईएमडीबी है वहां पर 10 में से आर्ट की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो तो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का अंडर में दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपके अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंसुगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड़ हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधुमीरा मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज़ है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर ये मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहे तो देख सकते जो काफ़ी महंगा पड़ेगा राम के पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फिल्म में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप इसे अभी जो है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर ये फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पाँच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठिकान लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दघुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफ़ी लंबे हैं कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पेंड है वो तो फिल्म की यू है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी, भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मजा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलते हैं और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल है जहाँ पर तापसी बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुभम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आर्ट की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का अंडर भी दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंस अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड़ हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर ये मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहें तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा राम के पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फ्री में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर ये फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पाँच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के, के मैनन को ठिकन लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दघुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पेंड है वो तो फिल्म की यू है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टाइल अलग अंदाज में देख देखने को मिलता है और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस स्टार पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल है जहाँ पर तापसे बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुपम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था और यह मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की ये मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई एम डी है वहां पर 10 में से आर्ट की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो तो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का अंडर में दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंस अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड़ हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधुमीरा मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में ख़ास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर ये मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहें तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा राम के पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फ्री में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर ये फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पाँच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठिकाना लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दघुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल हैं फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पेंड है वो तो फिल्म की यू एस पी है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी, भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस है अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी पन्नू का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलता है और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस स्टार पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल जहाँ पर तापसे बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुपम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आर्ट की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का रन टाइम भी दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंसुगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड़ हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधुमीरा मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में ख़ास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर यह मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहे तो देख सकते जो काफ़ी महंगा पड़ेगा राम के पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फ्री में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर ये फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पाँच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठिकान लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दगुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पेंड है वो तो फिल्म की यू है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी, भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मजा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टाइल अलग अंदाज में देख देखने को मिलता है और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल जहाँ पर तापसी से पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुभम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरी वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था और यह मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहां पर 10 में से आर्ट की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का रन टाइम भी दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंसुगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधुमीरा मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर यह मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहें तो देख सकते जो काफ़ी महंगा पड़ेगा राम के पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फ्री में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर ये फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पाँच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठेका लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दघुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पेंड है वो तो फिल्म की यू है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलते हैं और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल जहाँ पर तापसे बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुपम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो तो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का रन टाइम भी दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंस अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड़ हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज़ है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर ये मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहे तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा राम के पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर यह फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पाँच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठेकन लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दगुबती और अनुपम केर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पैंड है वो तो फिल्म की यू है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी, भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मजा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलते हैं और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस स्टार पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल है जहाँ पर तापसी बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुभम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर 10 में से 8 की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी एट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का अंडर भी दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैसगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज़ है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूटूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर ये मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहे तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा और आपके पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फिर में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहां पर यह फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पांच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबुद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के, के मैनन को ठेका लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दगुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पैंड है वो फिल्म की यू एस पी है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस है अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनो का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मजा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टाइल अलग अंदाज में देख देखने को मिलता है और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल है जहाँ पर तापसे पन्न पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुपम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अब इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को दो में रिलीज़ किया गया था और यह मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की यह मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर 10 में से 8 की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी जरूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो तो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का अंडर में दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपके अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंसुगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर ये मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहें तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा और आपके पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फिल्म में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहां पर यह फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पांच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबुद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठिकन लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू रण दघुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पैंड है वो तो फिल्म की यू है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी, भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस है अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलता है और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस स्टार पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल जहाँ पर तापसे बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुपम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी एट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉफ्टवेयर पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का रन टाइम भी दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंस अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड़ हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर ये मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहे तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा और आपके पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फिर में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर यह फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पाँच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठेकन लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दगुबती और अनुपम केर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पैंट है वो फिल्म की यू एस पी है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनों का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलते हैं और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए ये आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल जहाँ पर तापसी बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुभम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को जरूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था और यह मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आर्ट की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो तो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी के अंडर भी दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपके अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैन्सुगोफा अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड़ हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधु मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में खास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज़ है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर ये मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहें तो देख सकते हो जो काफ़ी महंगा पड़ेगा राम के पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पे जाके वहाँ पर जाके वहां पर फ्री में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहां पर ये फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पांच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के के मैनन को ठिकान लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू रणा दघुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पेंड है वो तो फिल्म की यू है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी, भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस है अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनो का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टार अलग अंदाज में देख देखने को मिलते हैं और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे YouTube पर रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस स्टार पर उपलब्ध है जहां से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहां पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल जहाँ पर तापसी बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुभम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों मेरे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम यहाँ पर बॉलीवुड में बनी एक बहुत ही कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और आप भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है और इस मूवी की कहानी के बारे में साथ ही में इस मूवी के आने वाले कुछ पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको ये मूवी दोस्तों ज़रूर अच्छी लगेंगी तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेबी मूवी को 2015 में रिलीज़ किया गया था और यह मूवी थ्रिलर और एक्शन पर बनाई गई है दो घंटे चालीस मिनट की मूवी है जो आपको सिंगल पल के लिए शायद बोर नहीं कराएंगी रेटिंग इस मूवी की काफ़ी बढ़िया आई थी क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आर्ट की रेटिंग इसे मिली है इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को एटी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि मूवी के अंदर वाकई दम है और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है नीरज पांडे ने जो कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर रह चुके हैं इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में बनाई है जो आपको दोस्तों अच्छी ज़रूर लगेंगी और अब तो जो गूगल है वो भी इस मूवी को रिकमेंड करता है कि एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें इस फिल्म को देखना है फ्री में तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी तो मैं आपको बता दूँ आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके जहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको दोस्तों डेफिनेटली पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो अक्षय कुमार की एक्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम भी किया हुआ है इस मूवी के अंदर आपको गाने बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं और इस मूवी का अंडर में दोस्तों ठीक ठाक है ऐसा नहीं कि मूवी आपको कुछ जगह पर बोर करा देंगे आपने अच्छे नहीं है मूवी का रिव्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा आया था और लोगों ने इसे पसंद भी किया था लेडी कास्ट यहाँ पर अक्षय कुमार है कई के मैनन तापसी पन्नू राना दगुबती डैनी डैंस अनुपम खेर कीरम सक्रिया सैद आहड हुसैन हसन नोमन सुशांत सिंह राशिद नाज मधुमीरा मीरा तुल्ली मिलाक जुल्फर मुरली शर्मा जुमेल खान करण आनंद और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो बिल्कुल बोर आपको जो नाराज़ बिल्कुल नहीं कराने वाला है अगर हम लोग इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो 25 करोड़ का इस मूवी का बजट था और डेढ़ सौ करोड़ का इस मूवी का कलेक्शन रहा था और ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों हिट मूवी जो थी वो रही थी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी का क्या स्टोरी है और आपको यहाँ पर क्या इस मूवी में ख़ास देखने को मिलेगा वैसे इस मूवी की प्रोड्यूसर टी सीरीज है तो आने वाले टाइम में वो चाहे तो इसे यूट्यूब पर भी रिलीज़ करवा सकते हैं पर अभी ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल तो है पर रेंट पर अवेलेबल है आप इसे जो है रेंट पर देख सकते हैं रेंट पर ये मूवी उपलब्ध है रेंट पर लेकर आप चाहें तो देख सकते जो काफ़ी महंगा पड़ेगा राम के पास एक बेटर ऑप्शन है आप इसे डिजनी प्लस पर जाके वहाँ पर फ्री में देख सकते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप इसे अभी जो डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर ये फिल्म अवेलेबल है चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी में कहानी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा अफसरों का पाँच साल का बेबी नाम का मिशन होता है इसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य देश के दुश्मनों को नशा नाबूद करना है इसके अधिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं इस तरह का एक अधिकारी है अक्षय कुमार उसे आतंकवादी के, के मैनन को ठेकन लगाना है ताकि देश को सुरक्षित किया जा सके कहानी में तापसी पन्नू राणा दगुबती और अनुपम खेर जैसे कैरेक्टर आते हैं और जाते हैं हालांकि फिल्म में प्यार और कॉमेडी जैसे कैरेक्टर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है सीन काफी लंबे हैं कहानी में बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है लेकिन चौंकाने वाले कहीं फल है फिल्म का डायरेक्शन और जो और नीरज का जो ट्रेंड पेंड है वो तो फिल्म की यू है नीरज पांडे की जो फिल्म है इसके अंदर कोशिश को ऊपर रखते हैं और वे भी ऐसा ही करते हैं अक्षय कुमार का जो चयन एकदम नहीं है वे भागते हैं और एक्शन करते हैं तो लगता है कि यह बंदा ऐसा कर सकता है वैसे भी यहाँ पर नीरज के साथ स्पेशल सभी जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं और फिल्म में डैनी बढ़िया लगते हैं वैसे जो डायरेक्टर है उन्होंने किसी और किरदार को ज़्यादा उभरने का मौका बिल्कुल नहीं दिया है उसका पूरा जो फोकस है अक्षय कुमार पर ही रहा था तापसी बनो का थोड़ा और देखने का देखने देखने का मन करता है वह एक्शन करते ही मज़ा आता है अनुपम खेर भी यहाँ पर ओके है राणा तो बोलते हुए बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं यह फिल्म नीरज के चाहने वालों के लिए अच्छा तोहफा है फिर अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी ये फिल्म खास है क्योंकि उनके स्टाइल अलग अंदाज में देख देखने को मिलता है और एकदम गंभीर वारे फिल्म में उनकी छाप नज़र नहीं आती है पूरा स्टाइल नीरज का ही है फिल्म का जो फिल्म को लेकर वर्ल्ड ऑफ माउथ काम करेंगी इस चार दिन का वीकेंड मिल रहा है तो इस फिल्म को आप लोग इन वीकेंड में ज़रूर देखिए और इसे आप लोग बिंदास फैमिली के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कमाल की मूवी बनाई गई है तो मूवी को देखिए यह आपको कैसी लगती है आप मुझे बताइए आने वाले टाइम में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा फिलहाल ये मूवी डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है जहाँ से आप हिंदी भाषा में और एकदम फ्री में देख सकते हैं अक्षय कुमार का यहाँ पर रोल बहुत ही बढ़िया है और पूरा मूवी का भार उन्हीं पर होता है इस मूवी का दूसरा पार्ट भी अवेलेबल जहाँ पर तापसे बन पर पूरा भार दिया गया है हो सकता है एक और पार्ट आ जाए वहाँ पर आपको राणा दगुबती या फिर अनुपम खेर देखने को मिल जाए तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोई मैं नई मूवी के बारे में आपको जानकारी दूँ या फिर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे मूवी काफ़ी बढ़िया है तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए